और चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का, अहम खबर का। फतेहाबाद से बता दें आपको बड़ी जानकारी, पुरानी रंजिश में दो गुटों में खूनी झड़प देखी गई है। फतेहाबाद से बड़ी जानकारी, दोनों तरफ से जमकर तलवारें भी चलाई गई हैं। तो खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, पुरानी रंजिश में कई युवकों ने किया तलवारों से हमला। फतेहाबाद से ये जघन्य अपराध की वारदात सामने आई है, हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। फतेहाबाद से ये बड़ी और अहम जानकारी, सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें, तो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर दोनों ही तरफों से खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों तरफों से तलवार से हमला किया गया है, दोनों तरफ से जमकर तलवारबाजी की गई है और लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। कई युवकों ने किया है तलवारों से हमला। और रमेश कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रमेश, बेहद ही सनसनीखेज ये पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से सीसीटीवी सामने आया है दो गुटों में तलवारबाजी की जा रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो घटनाक्रम है फतेहाबाद की जो अनाज मंडी है वहां का है, जहां पर दर्जन भर युवक जो बाइक पे सवार होकर आए थे और उन युवकों के हाथ में हथियार भी थे और तलवारें भी थी। इसके बाद युवकों द्वारा जो मंडी में जो लड़के काम कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया। इस हमले में दो युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने इनकी हालत गंभीर देखते हुए इलाज के लिए हिसार के अग्रवा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। वहीं इस घटना का एक सीसीटीवी भी जो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि युवक बाइक पर सवार होकर आए थे और इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते इस युवक द्वारा ये पूरा कदम उठाया गया। जो युवक है ये कबीर बस्ती के रहने वाले हैं और इन्हें जल्द ही रास्ते में लेकर आगामी कार्रवाई पुलिस द्वारा करने की बात कही जा रही है। जी रमेश, जो सीसीटीवी सामने आया है, क्या उसके आधार पर इन हमलावरों की, इन युवकों की तलाश या शिनाख्त या पहचान हो पाई है क्या अभी तक? देखिए, जो पुलिस का कहना है कि जो युवक घायल होते हैं उनके प्रथम जो उन्होंने बयान दिए हैं मौखिक तौर पर, उनका ये कहना था कि पुराने रंजिश के चलते जो कबीर बस्ती के कुछ लड़के थे उन पे हमला किया है। वहीं जो अभी सीसीटीवी को भी पुलिस आधार मान रही है और पुरानी रंजिश का जो पूरा मामला पुलिस जोड़े की बात कहनी है कि बाकी पुलिस का कहना है कि युवकों की जैसी हालत ठीक होती है उनके बयान सामने लेकर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी कि इस घटनाक्रम में कौन कौन युवक शामिल थे। वहीं प्रथम तौर पर पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे को आधार मानकर इन युवकों की तलाश जारी कर दी है। जी शुक्रिया रमेश इस तमाम जानकारी के लिए।